नमस्कार आप सभी को। आज का एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता निराश बिल्कुल भी न हो, क्योंकि ये एग्जिट पोल सरकारी है। ये एग्जिट पोल रियलिटी बयां नहीं करते, ये सरकारी दाव पेच बयां करते हैं। लाइट्स कैमरा एक्शन लेकर ध्यान मुद्रा में एकत्रित तो हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, लेकिन एग्जिट पोल उनके इशारे पे ही चल रहा है। और वो एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता निराश होकर एक दूसरे को कॉल करना शुरू कर रहे हैं। मेरे पास भी कई कॉल्स आए, तो मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, निराश बिल्कुल भी ना हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें लेके आ रही है, 350 के बीच में। तो 4 जून का वेट, जैसे कि आप सब कर रहे थे, 4 जून को एग्जैक्ट पोल्स आपके साथ आपके सामने होंगे। तो आज के 1 जून के एग्जिट पोल को देखकर निराश होकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। 1 जून आज 7वें चरण की वोटिंग तो अभी शाम 6 बजे खत्म ही हुई है। 6:30 बजे इन्होंने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया। किसी चैनल पे कुछ दिखा रहे हैं, किसी चैनल पे कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जनता ने इंडिया गठबंधन को अधिक से अधिक मात्रा में वोट दिए हैं, जिसका परचम 4 जून को लहराएगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद। 2004 में भी चंद लोगों से वार्तालाप करके जो एग्जिट पोल बना था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बन रही थी एग्जिट पोल पर, लेकिन जब एग्जैक्ट नतीजे आए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनके सारे भाजपा के कार्यकर्ता निराश हो गए और कांग्रेस की सरकार बनी। उसी तरह 2009 में भी कांटे की टक्कर दिखा रहे थे लोग, 2009 में भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन आई कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो भी बहुमत के साथ। इसी तरह इस बार 2024 के इलेक्शन में भी एनडीए और इंडिया आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को 400 पार के नारे लगाने के लिए कहा हुआ है। बच्चे बच्चे को स्कूल न भेजकर ये सिखाया जा रहा था कि आपको 400 पार के नारे कैसे लगाने हैं, और वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर 400 पार के नारे लगा रहे थे। उसी तरह ये एग्जिट पोल भी चंद लोगों से वार्तालाप करके बनाए गए हैं। ये सरकारी हैं, इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। खुश रहिए, मस्त रहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, जिससे हम सब के जीवन में एक बदलाव, और जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया है आम जनता के लिए, उस मैनिफेस्टो में आम जनता के लिए एक नॉर्मल गरीब महिला के खाते में जब 8,500 रुपये महीने आने शुरू होंगे, यानी कि 1,00,000 रुपये सालाना, तो हर घर में एक अलग ही खुशी आएगी। हर युवा को जब रोज़गार मिलने लगेगा तो हर घर में एक अलग ही खुशी आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस बार रोज़गार भी देने का वादा नहीं किया है, क्योंकि इसके पहले जो 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया गया था, उसमें से तो किसी को कुछ मिला नहीं, तो इस बार उन्होंने रोज़गार देने का वादा ही नहीं किया है। तो एग्जिट पोल देखकर जिन जिन लोगों को खुशी मनानी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो खुशी मना लें, लेकिन जो असलियत है वो 4 जून को हम सब के सामने आएगी, और उस असलियत को देखकर एक अलग ही खुशी छा जाएगी। ध्यान मुद्रा में ज़रूर गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, लेकिन एग्जिट पोल उन्हीं के इशारों पे नाच रहा है, और उस एग्जिट पोल को देखकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सारे कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, लेकिन वो खुशी 2004 की तरह और 2009 की तरह मिट्टी में मिल जाएगी 4 जून को। तो इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता खुश रहें और बहुत ही ज़्यादा आनंदित रहें। इंडिया गठबंधन अधिक से अधिक वोट मात्रा से हर सीट पर चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, और ये एग्जिट पोल उस दिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे जब 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत सारे लोग आके कमेंट्स कर रहे हैं कि 4 जून को देखेंगे आपको, 4 जून को आपके कमेंट्स आएंगे पढ़ने, आपके कमेंट लिखने आएंगे, तो उस 4 जून को मैं भी आऊँगी आप सबके बीच लाइव,
इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद, और आप सबको बधाई दूंगी और इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता अभी से खुशी मनाना शुरू कर दें, और उन एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं को फ़ोन पर एंटरटेन बिल्कुल भी ना करें जो ये एग्जिट पोल देखकर खुशी मना रहे हैं और आपको फ़ोन करके कह रहे हैं कि अरे आप तो कह रहे थे इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, देखिए एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है। तो आप साफ कहिए कि ये एग्जिट पोल नहीं, सरकारी पोल है, ये चंद लोगों से गुफ्तगू करके बनाए जाते हैं। एग्जैक्ट ये जब आप चुनाव में वोट देकर बाहर निकलते हैं तो आपसे कुछ लोग आपका वोट जानने के लिए, आपने किसको वोट दिया किसको वोट नहीं दिया, तो कुछ लोग आपसे आके वार्तालाप करते हैं, उसी के बलबूते ये बनते हैं एग्जिट पोल, जो कि आज दिखाए गए हैं 6:30 PM, जिसको देखकर इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से मैं एक बार पुनः निवेदन करती हूँ कि इन एग्जिट पोल को देखकर निराश बिल्कुल भी ना हो, ये सरकारी पोल है और इन गोदी मीडिया एंकर्स को इसी के पैसे दिए जाते हैं कि आपको बहकाएं। आपको बहकना नहीं है, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत से बन रही है। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।